हेलो बच्चों, आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, हम इस लेक्चर में क्या करेंगे? एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्या है सो दैट 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 हमको प्रूव करना है। तो कैसे होगा वो हम देखेंगे। हम एंगल ले लेते हैं। देखिए, 48 डिग्री और 42 डिग्री क्या होता है? सम 90 डिग्री। एक इसको ले लेंगे, 23 डिग्री और 67 डिग्री का सम क्या होता है? 90 डिग्री। इसको ले लेंगे, ये दोनों एंगल हम लेंगे। तो चलिए कैसे होगा वो हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही दो हम लेंगे। तो क्या होता है 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? हम 48 डिग्री को चेंज करेंगे 42 डिग्री में। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहां से 48 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। अभी तो 22 3 को लेगा, 23 डिग्री को लेंगे, 67 डिग्री को लेंगे। 23 डिग्री प्लस 67 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री। तो 23 डिग्री क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ये हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 10 48 डिग्री क्या लिख सकते हैं हम? 10 48 को क्या लिखते हैं? यहां से ये, यहां से 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, 10 23 डिग्री। अब 10 23 डिग्री क्या लिख सकते हैं यहां से हम? 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमारा एज इट इज रहेगा 10 40 डिग्री, 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। हम एक रूल जानते हैं, क्या 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा। यही हम यहां देखेंगे। तो 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉट 42 डिग्री। इसी तरह 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉट 67 डिग्री। ये है ही है 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, अब कॉट को हम क्या ले सकते हैं? 1 अपॉन 10 42 डिग्री इंटू कॉट 67। क्या ले सकते हैं? 1 अपॉन 10 67 डिग्री इंटू क्या है? 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ये है ही है, 1 हमको प्रूव करना है। तो 10 42 डिग्री, 10 42 डिग्री कट जाएगा, 10 67 डिग्री, 10 67 डिग्री कट जाएगा। हमारा क्या आंसर बचेगा? 1। अब यहां से प्रूफ हो गया, पूरा आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1। 10 10 40 डिग्री से 10 42 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 67 डिग्री से 10 67 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर क्या बचेगा? 1 × 1 × 1 × 1 क्या आ जाएगा? 1। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसको देख लीजिए। धन्यवाद बच्चों।